वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मैं अभी घर पे हूँ पर थोड़ी देर बाद बाहर निकल रही हूँ। तुम कहाँ हो? What do you mean तुम कहाँ? तुम्हारी पार्टी के इंतजाम में बिजी हूँ। What rubbish! मैंने कब कहा मेरे लिए पार्टी रखो? तुमने नहीं कहा लेकिन मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार फेयरवेल पार्टी तो तुम्हें देनी ही चाहिए, न जाने कब मुलाकात हो। करण, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? ओहो, मेरी जान इसमें पटाने वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ और यू नो प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। करण, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इश्क विश्क प्यार मोहब्बत जैसे फालतू चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर मैन, इसीलिए मैं जयपुर छोड़ के मुंबई जा रही हूँ। ओके, बी फोकस्ड, अपना करियर बनाओ लेकिन 9 बजे तक पार्टी में जरूर पहुँच जाना। मैंने सारे दोस्तों को बुलाया है। आई एम नॉट टू श्योर करण, मॉम से पूछ के बताऊंगी। ओके, नो पूछना उछना, आई डोंट केयर, तुम्हें आना ही है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ लोग इंतजार करने के लिए पैदा होते हैं। आऊंगी पर थोड़ा लेट से। ओके,
चाहे तू देसी ला दे, सोडा या कोक मिला दे, चाहे ऑन द रॉक्स पिला दे। चढ़ गई यारो चढ़ गई है बोतल में, हो गया चू रंग जमाने का, ये तगड़ा है नशा दिल मस्ताने का, हो मूड बना है यार नाचने गाने का, वो इश्क द पटियाला सोच रहे हो? You know, गोल, जयपुर तुम्हारे बिना खाली सा हो जाएगा। और तुम? मैं तो खाली हो चुका हूँ। It's very late. I have to go home now. तुम जाना कैंसिल नहीं कर सकती। कहाँ? घर? मुंबई। No way, करण। मुंबई is my dream city. और तुम्हें तो पता है पियाने में ले कितनी अच्छी जॉब ढूंढी है। मैं ये अपॉर्चुनिटी ठुकरा नहीं सकती। और मुझे ठुकरा सकती हो? करण, रास्ते मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं, समझे? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक रास्ता हूं। मंजिल भी तो नहीं हो। ठीक है गुल, जाने से पहले एक बार मिलोगे तो सही? ऑफ कोर्स। सो जाइए ना। तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। अरे उससे पूछ तो लो कि कहाँ थी रात भर। उसके दोस्तों ने पार्टी रखी है, फेयरवेल पार्टी, मुंबई जा रही है ना। पार्टी वार्टी तो ठीक है, लेकिन 2 बजे तक? जब यहाँ पर इसका लाइफस्टाइल ऐसा है तो फिर मुंबई में क्या होगा?
सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ मैं। अरे बाबा, उसकी फ्रेंड पिया ने उसके लिए जॉब ढूंढ रखी है, एक फैशन हाउस पे। बिजी रहेगी मुंबई में। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। Well, वो हमारी बेटी है, अपना नाम रोशन करेगी वो। और ये अपनी डायरी अपने पास रखो, रात भर मुझे चुपती रहती है। शोभा, मम्मी कैच। ओफो गर्ल, स्टॉप इट ना। शोभा। हाँ बाबा, मैं आ रही हूँ, आप बैठिए ना। हाँ जी। हाँ? माँ बेटी की मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। गुल, कल रात को तुम बहुत देर से आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुंबई जा रही हो। और जाते ही फोन कर लेना, राइट? हाँ, चलो, let's go and have some breakfast। यस पापा। आप जाइए, हमारे फ्लाइट में टाइम है। ओके, वी आर कमिंग। कम ऑन, बस 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 बस, कम ऑन। ओके बाबा, बस बस बस, कितने कपड़े लेके जाएगी, बस। लो, वो भी आ गई। आओ बेटा, फोन किसका था? कुछ नहीं पापा। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये ले। थैंक्स मॉम। ओके, यस ऑफ कोर्स, हियर बेबी, हैव अ बनाना, इट्स गुड फॉर यू टू। थैंक यू पापा। मुंबई जाने की खुशी में इसकी भूख प्यास सब मिट गई है। मॉम डैड, मेरा बहुत सारा और अभी पैकिंग बचा, और मैं आई डोंट वांट टू स्मैश लाइट, आई एम गोइंग, बाय। ओके, हमारे। अरे सिट डाउन, जस्ट पैक अ सैंडविच फॉर, ओके? And remember one more thing, no late nights. Yes, okay? Dad, no late nights. Back home by 12, yes, right? Right. All right. Ram Gopal, done? Yes, sir. Thank you. Bye, Ram Gopal. Yes, bye. Ravi. Huh? 3:30? Okay. I have to go, sweetie. No. Oh, I am so sorry. I have to go. I'll see you in the evening. Okay. Okay, okay, bye. See you. Good luck, honey. Bye, Dad. Love you. Yes, Ravi. Okay. 1 hour. किसका फोन था बेटा? रॉन्ग नंबर? नो मॉम, रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन। बेटा, पापा को तुम्हारी बहुत फिक्र है, यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। मॉम, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। इसलिए तो मैं कह रही हूँ बेटा, जयपुर में जो जिंदगी तुम गुजार चुकी हो उसे चेंज करना पड़ेगा मुंबई जाकर। वेल, ये लो। व्हाट इज दिस? ये है कैलेंडर, पढ़ के तो देखो। और ये है डायरी। बस बेटी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम नई जिंदगी शुरू करो और अपनी जिंदगी का हर पल इस डायरी में लिखो। ओके? यस मॉम, लिखूंगी। और कुछ? और हाँ, पिया को कहना कि मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। यस मॉम। जयपुर में कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है यार। जयपुर is still the same old जयपुर। How's mom and dad? Very well, very good. Yeah. Excuse me. Girl, किसका फोन था? 2 घंटे पहले तक तो मेरा बॉयफ्रेंड था। तू कभी नहीं बदलेगी। पिया, मैं गुल हूँ, गवर्नमेंट थोड़ा ना। अच्छा चलो, हम घर जाके क्यों नहीं बात करते? No, Carol. हम घर नहीं जाएंगे, मेरा मुंबई में आज पहला दिन है, पहला नाइट है। We have to go out, get drunk and party. Cheers. गुल, आज तो पीने का मजा आ गया यार। झाड़ू के बगैर जिंदगी टट्टी है। शिट है। She's got bad. Carol got bad. चलो। Wow. चलो।
अरे गुल रुको। अरे यार सब लोग शुशु क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? चलना जी हेवी। हमने बहुत दारू पी लिया। चलो चलो चल। अरे चाबी हट। चाबी मेरे पास हट यार। शुशु मैं खोलती हूँ। दोनों दरवाजा फूटा। देखो दरवाजा हिल रहा है। शुशु दरवाजा दरवाजा देखो मैंने खोल दिया। गुल यू आर सो लकी। अगर गुल नहीं होती तो क्या घर है यार। तुमने कुछ नहीं बताओ। वो पूल भी है और वो जगूजी भी है। अच्छा यू मस्ट एंजॉय। अच्छा जो वहाँ तुम्हारा रूम है। गुल गुल ऑफिस नहीं जाना। आज ऑफिस का पहला दिन है। ओह शिट क्या टाइम हुआ है? 10 बज गए हैं। पिया कहाँ है? वो सो रही है। I'm going to my spa. Oh shit. Okay, okay. Let's get ready fast. Pia, उठ यार। कल सोने देना यार। Pia, 11 बज गए यार। मुझे तो 10 बजे ऑफिस पहुंचा था। पहले दिन वाट लग जाएगी मेरी। Don't worry, girl. मैं विवेक सर से बात कर लूंगी। तू पहुंच, मैं भी आ रही हूँ। Are you sure? अच्छा मैं तेरी गाड़ी लेके जा रही हूँ। Okay? Okay, bye. कब से बोल के रखी है कॉफी? आज लेके आओगे? हाँ तो आओ फिर जल्दी। मैं कम इन सर। या कम इन। हेलो सर दिस इज गुल। या पिया टोल्ड मी अबाउट यू। एक बात बताओ रोजाना इसी वक्त ऑफिस आओगी? एक्चुअली सर वो ना 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 यू डोंट हैव टू कॉल मी सर। मुझे जरा दोस्ताना माहौल में काम करने की आदत है। सो आई गेस विवेक इज फाइन। ओके आओ। मिल गया वक्त। एक कॉफी का एक घंटा लगता है तुम्हें? जी सर। ये हमारे ऑफिस के बिगड़े हुए शहजादे हैं दिलीप सिंह। नमस्ते मैडम। दिलीप सिंह? यप। बताओ भाई नाम कैसे पड़ा दिलीप सिंह? मैडम जी ये बहुत दुख की बात है मैडम। मैं जैसे पैदा हुआ बाबूजी डिलीट कर गए मैडम। मेरी 6 दिन की छट्टी में दादी डिलीट कर गई मैडम। मैं जहाँ जहाँ पैर रखता। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ पाँव रखते हैं कोई ना कोई डिलीट होता चला जाता है। लेकिन हमारी कंपनी के लिए लगे साबित हुए फॉर्चुनेटली फॉर अस। ओके और अब आप यहाँ से डिलीट हो जाइए। चलिए हो गया आपका। अरे ये कौन ले जाएगा यार। सॉरी सर। सॉरी सर। नमस्ते मैडम। जाओ जाओ। Yeah, so I hope you understand you are very lucky कि आपको मेरी कंपनी में काम करने का मौका मिला है। Yes, sir. आ हाँ यदि come in. Sit. That's good. Addy. Hi. Hello. Creative director of the company and this man is also the backbone of the company. Yep. Right, chilies के डिजाइन तैयार हो गए? मैं उसी में लगाऊं। कल तक हो जाएंगे। I am putting under your charge from today. आज से ये आपको असिस्ट करेंगे, okay? Great. Fine then. Welcome. Congrats. My pleasure, sir. You're on. Come. So, if there's anything you need, just let me sure, know, na? Sure. Hey. Hi. So, how are you, Addy? I'm good, thanks. You? I'm good, too.
So how was your first day in the office, girl? Going great so far. Yeah, that's really nice. So, how did you find girl? She seems nice enough. We'll see how she does in the office. I'm sure she's gonna do well. She's my friend after all, yeah? Huh. Anyways, you guys carry on. I'll see you later, yeah? ये डायरी मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि मैं डायरी लिखूं। ऑफिस में आज मेरा पहला दिन। बेटा, हाय मॉम, हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, मैंने कहा था ना ऑफिस पहुँचते फोन करना। आई एम सो सॉरी मॉम, ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो गई थी मैं। तुम ना हमेशा बहाना बनाते हो। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा ये बता, ऑफिस कैसा है? वेरी गुड मॉम, इवन माय बॉस इज वेरी फ्रेंडली। गुल, अच्छा मॉम आई गॉट टू गो, पिया मुझे बुला रही है, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। सुन 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 गुल बेटा, डायरी लिखना शुरू कर दिया है तुमने? यस मॉम, पूरे 6 पेजेस भर डाले मैंने। वेरी गुड, और लिखते ही रहना। हाँ, आपने तो ना अपनी भलाई मेरे ऊपर डाल दी है, पर आई एम एंजॉयिंग इट। इट्स गोइंग ओके। ओके मॉम, आई हैव टू गो। ओके, बाय बाय। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई एम रेडी, आई जस्ट हैव टू चेंज एंड कम। ऑलराइट। ओके। हे गर्ल्स। हे हे, आई हैव मूवी टिकट्स, लेट्स गो। ओह, आई कांट कम, मुझे शाम को अम्ब्रेला क्रिएशंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है विद विवेक सर एंड एडी। पिया तू तो चलेगी ना? नो स्वीटहार्ट, even I have to meet my old friends, yeah. But you can do one thing. What? Tu Akash ke saath chali ja. Who's Akash? You don't know Akash? I know. Upar hota hai. Correct. Hamesha isi ke upar to hota hai. Ye Akash ki dharti hai. Thank you. Yes, sir. Hi, Akash. Aiye. Baby, kahan reh gayi thi tum? Tumne kaha tha 10 minute mein aa jaogi. Ye dekho. Pure 25 minute beet chuke hain. Hamesha late aati ho tum. Khana bhi khatam ho gaya hai. और ये देखो बिल भी आ गया है। I'm so sorry, darling. लेकिन आपने खाना खा लिया? हाँ। चलो अब चलते। एक मिनट, बिल पे करना है। रहने दो, रहने दो। Seriously? रहने दो। Sure. I'm Xavier. I hope you all know me. जानते हैं। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि पिछले 20 साल से हमारी कंपनी दुनिया भर में फैशन वर्ल्ड को लीड कर रही है। और आज
20 साल में पहली बार हमारी कंपनी ने इंडियन डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट के साथ काम करने का फैसला किया है, और जिनके भी डिजाइन सेलेक्ट किए जाएंगे उनके साथ हमारी कंपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हम उनके साथ करेंगे। लेकिन इस काम के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन है, सो ऑल द बेस्ट, बट काम कल सुबह से, राइट नाउ, गो अहेड, एंजॉय द पार्टी। Careful, Mr. Bajaj. Hi, Vivek. Yeah, hi. And hello to the pretty lady. Ravi Bajaj. Gul. Gul. Really nice name. Thank you. Ozone Overseas. एक छोटी सी कंपनी है मेरी, शायद आपने नाम सुना हो। बड़ी कंपनी को छोटा बताकर अपने आप को बड़ा बताने का क्या अंदाज है आपका? वैसे आप लेट हो गए मिस्टर बजाज। अम्ब्रेला क्रिएशंस की कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं साहब। इनको लगता है अम्ब्रेला क्रिएशंस का ऑर्डर इन्हीं को मिलने वाला है। आप सपने देखिए मिस्टर बजाज, इस बार ये ऑर्डर हम ही लोगों को मिलने वाला है। ओके, एनीवे, सी या। श्योर, ऑल द बेस्ट। See you. Bye. Let's Good night. Yeah. Because she loves sex as much as I do, okay? Sex is just an activity to you, isn't it? No. Sunday ko utilize karte hain, ye furniture rearrange karte hain. Actually, chal na go, let's do it. Come on, Carol. Sab kuch to hai tumhare paas. Itni successful ho. कोई नौकर वगैरह रख लो ना ये सब काम करने के लिए। नौकर तो मैं 10 रख सकती हूँ, लेकिन जिस रास्ते पर सक्सेस मिलता है वो रास्ता पेशेंस, ईमानदारी और मेहनत का है, इसलिए मैं घर के छोटे मोटे काम खुद कर लेती हूँ। इट्स नॉट माई जॉब या, ये सब काम जयपुर में भी मेरे नौकर ही करते हैं। मैं मुंबई बहुत बड़ा बनने आई हूँ और इस छोटी सी लाइफ में बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत आगे जाना है। पिया, मुझे ये गुल का लाइफस्टाइल समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा कैरल, जब मेरा तुमसे भी बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी और 25 नौकर होंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। चल कैरल, लेट्स गो या। चल इसको टीवी देखने दे। पर होगा और ये सब संडे को। Yeah, come in. Sit. आरबी इस बार कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। आरबी की तो आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की। कॉम्पिटिटर को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, राइट? मैं चाहता हूं कि अम्ब्रेला क्रिएशंस के ऑर्डर सिर्फ फ्लोरा एंटरप्राइजेस को ही मिले, और इसके लिए हमें कुछ ऐसे डिजाइन्स तैयार करने होंगे जिन्हें देखने के बाद अम्ब्रेला क्रिएशंस अगले 10 साल का एग्रीमेंट सिर्फ हमारी कंपनी के साथ करें। डोंट वरी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट्स। डेफिनेटली। ना काम कर रही है। It's very late. Go to sleep. आती हूँ। I'll just finish this and come, okay? Hey. Hey. I'll see you. Yeah. The designs. What is this? तुम अपने साथ साथ हमारा भी टाइम क्यों खराब कर रही हो? पर आप देख तो लो। अगर हमारी कंपनी तुम्हारे बनाए स्केचेस पर काम करना शुरू कर दे तो जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिले हैं ना, वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। Unbelievable. Hey. Hey. क्या हुआ? थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार। Where are you going? Have a smoke. P.
प्रिया। यस सर। वेयर इज गुल? यही कहीं होगी ऑफिस में। और एडी कहाँ? ही इज गॉन फॉर अ स्मोक। गॉन फॉर अ स्मोक। ऑलराइट, थैंक्स। एडी। हाय। क्या लगता है तुम्हें अम्ब्रेला क्रिएशंस के डिजाइन कब तक तैयार होंगे? 3-4 दिन और लगेंगे सर, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो गुल है ना तुम्हारी हेल्प के लिए, उसने भी तो कुछ डिजाइन तैयार किए होंगे। उसने जो स्केचेस तैयार किए हैं ना, वो मैंने डस्टबिन में डाल दिए हैं। नहीं नहीं आई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। फिर तो हमें फ्लोरा एंटरप्राइजेस बंद करके ना एक फैशन इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए, गुल के साथ साथ सब सीख लेंगे। Hold it, just stop kidding. टैलेंट नहीं है उसमें तो चलता करो उसे। Throw her out. You know we are short of time. अगर ये काम आप करें तो बेहतर है। Let's see. टैलेंट नहीं है उसमें तो चलता करो उसे। थ्रो her out. उसने जो स्केचेस तैयार किए हैं ना, वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। क्या हुआ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? ये क्या है? ये किसने लिखा है? मम्मी ने। Oh, your mom is great. गुल, तू जब से ऑफिस से आई है कितनी अपसेट लग रही है। आज ऑफिस में मेरा लास्ट दिन था यार। क्या हुआ? What? लंबी कहानी है, चल let's just go for dinner. Are you sure, Gul? Yeah, I'm sure. Come on, let's just go. अच्छा तुम लोग जाओ, I'm tired. I want to sleep. You sure? Okay, let's just go. All right. हाँ, मैं दिखा रहा हूँ तुझे। पहले देखिए कितनी मैंने बड़ी। So how are you doing, huh? Well, that's the wine. Fantastic. Oh, great. Yeah, you know, I love drinking wine, so we thought really? We'd offer wine. We both are having, so... How you know, that's actually my... That's my favorite wine. So how are you finding the moment? Yeah, I mean, it's good. I mean, yeah, you know, as long as I have good friends. Of course. Should we go somewhere else? Yeah. So good night. So you guys are leaving? Hmm? Yeah, I'll see you later, okay? See ya. So Gul, tell me, what else do you do to wind down? I mean, I'd really like it for us to get to know each other better. Beautiful. Excellent. Fantastic. That's really nice. Aage? Ooh. Wonderful. Hmm? Wonderful. Ye tumne taiyar kiye hain? Nahi. Gul ne ye taiyar kiye hain. Tum to keh rahe the use kuch aata nahi hai. Use to bahut kuch aata hai. Actually, maine uske talent ko samjhne mein galti ki hai. To galti sudharo, usko to promotion milna chahiye. Kahan hai? Where is Gul? उसने रात भर जाग के मेहनत की है सर, अभी वो सो रही है। Hey, hey girl, कहाँ थी सारी रात? अरे मत पूछ यार, बस जॉब बचा ली अपनी। That's good. मगर कैसे? Well, कल रात को मैंने अपना काम दिखाया। I'll be promoted soon. Hey, congratulations.
तो आज का डिनर तू देगी, ओके? डन, कैरल को भी बोल देना। कूल। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे वाह कैरल, जलवे यार। मेरा मन कर रहा है मैं भी कुछ करा लूँ। शोल्डर मसाज कराऊँ क्या? वेरी फनी, बाहर जाओ फिर हम डिनर पे मिलते हैं। ओके 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 ओके, डिनर पे मिलेंगे, लेकिन लंच पे कौन मिलेगा फिर? यार आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आई कांट, प्लीज गो। ओके 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 ओके, गिव मी सम मनी देन। व्हाट? हाँ, टैक्सी का बिल देना है, फिर न्यूज़पेपर का बिल देना है, फिर लंच करूंगा तो टिप भी दूंगा वेटर को, और उसके बाद शाम को हम दोनों को पैसे देना। I'll take all. How much is this? I don't know. जो दे दिया दे दिया. Please go. Okay, baby. Sweetheart, dinner पे मिलते हैं. अरे this Carol should have come here. Oh yeah. पता नहीं क्या करती रहती आकाश के साथ. Hey. Hi. Come on over. Why don't you sit? I'll just join you in a minute. Yeah, sure. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Have a seat. Thank you. Would you like a drink? No, I'm good. मैं जानता हूँ तुम्हारी खासियत क्या है गुल। Umbrella Creations का अकाउंट तुम ही हैंडल कर रही हो ना? Yes, Mr. Bajaj. तुम्हें और मुझमें एक चीज कॉमन है, a hunger for success. I can sense that about you. और वह hunger मैं तुम्हें देख रहा हूँ। You want to be very, very successful. Nothing wrong with that. फर्क सिर्फ ये है कि you work too hard. मेरी एक philosophy है, party hard and work smart. अब ये waiter को ही ले लो, कितने घंटे काम करता है? 10, 12, 14, I mean I don't know. और कितने पैसे कमाता है? मुझे देखो, मैं 2-4 घंटे काम करता हूँ and both of us know कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ. That's why I have an offer for you. मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, Umbrella Creations का कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को दिला दो, सैलरी जो तुम कहो, अ ड्रीम हाउस, अ ड्रीम कार, द वर्क्स बेसिकली। व्हाट डू यू से टू दैट गर्ल? थैंक यू रियली फॉर द ऑफर, आई विल थिंक अबाउट इट। सो आई विल सी यू लेटर देन। ओके, टेक केयर। ऑलराइट। तो वही तो थे ओजोन के मिस्टर बजाज। ओह रियली? वाज इट? या यू डिडंट नो? नो नो एट ऑल। हे विवेक। हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? हाय विवेक सर। हाय, मेरी माँ। लग गई ना चोट? जितनी बार सर बोलोगी माँ बोलूंगा मैं तुमको। ओके, वेल गुड, लेट्स लीव, वी हैव 2 मिनट्स। सो हाउ कम यू आर हियर? मैं आई जस्ट केम हियर फॉर डिनर। एनीवेज, आई सॉ योर डिजाइंस, लवली, दे आर ऑसम। थैंक यू, थैंक यू। तुमने तो ये राज बड़ी देर छुपा रखा है। वेल विवेक, मैंने पहले आपको दिखाने की कोशिश की थी अपने डिजाइंस, बट मैं दिखा नहीं सके। दिखा नहीं सके मतलब? मैं समझा नहीं। कल मिलके बात करें, फ्यू थिंग्स आई नीड टू टेल यू। Yep, fine. Okay. Okay. I'll see you then. See ya. अरे मैडम एक मिनट, मैं देता हूँ। हाँ ये लो। सर ये रहा नींबू पानी और शहद, और ये रहा तारे। आज का अखबार नहीं लाए? सर आज का अखबार मैं कल से ढूंढ रहा हूँ सर, तो बोलो कल का अखबार लाऊं सर? हाँ हो सके तो 2-3 साल पुराना ले आओ, 30-40 साल पुराना ले आओ, ला सकते हो तो। सर 40 साल से तो मैं आप ही को पढ़ रहा हूँ, मगर सॉरी सर 40 साल के आप लगते नहीं है सर, आप 2-3 महीने कम ही लगते हैं सर। अब आप कम हो जाइए और अखबार लेके आइए। चलिए सर, अखबार तो नहीं लेकिन खबर आ गई है सर। हाँ तो तुम्हारा क्या काम है, तुम चलो यहाँ से। मैडम को गुड मॉर्निंग बोल के जाता हूँ। तुम जाओ यहाँ से।
गुड मॉर्निंग मैडम. डिलीट, तुम यहाँ भी? हाँ, जहाँ जहाँ मेरे सर वहाँ मेरे पैर. आप बैठिए, सर आ रहे हैं. ओके ओके. हाय हाय. अचानक यहाँ कैसे? मैंने आपसे कल कहा था आज आपसे मिलूंगी. राइट, हैव अ सीट. सही वक्त पे आ गए तुम, वरना मैं तो निकलने वाला था कुछ देर में. वेल, मेरी मॉम कहती है कि जो लोग वक्त की कद्र करते हैं वक्त उनके साथ साथ चलता है. डस शी? यस. तब तो तुम्हारी माँ बहुत इंटेलिजेंट है, कभी मौका पड़ा तो उनसे मिलना पड़ेगा. फॉर श्योर. बोलो क्या लोगी? ओह, आई एम गुड सर. मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आई हूँ. अब यहाँ भी अगर तुम मुझे सर बोलने वाली हो तो तुम जानती हो मैं क्या बोलूंगा. आई नो माँ. एनीवे, मैंने देखा तुम्हारे डिजाइंस और तुम काफी टैलेंटेड लगती हो, लेकिन अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वक्त मैंने नहीं लगाया विवेक, वक्त उन लोगों ने लगाया जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं. मेरे डिजाइंस तो कब से रेडी थे. क्या मतलब? कौन लोग? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी. ठीक है, मत लो नाम. कुछ कुछ तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा है गुल कि मैं अगर किसी पे भरोसा करता हूँ तो पूरा भरोसा करता हूँ. अगर आपके भरोसे को कोई तोड़ दे तो? अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे इंसान की शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहूंगा. क्या आप ऐसा कर पाओगे? Yeah, of course. मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर मैं उन पर भरोसा करता हूँ तो उनका फर्ज बनता है कि वो मेरे भरोसे की इज्जत रखें, उसे टूटने न दें. तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे यकीन पर खरा उतर के दिखाओ. I understand. तो सीधी सी बात है, अगर मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ तो लोगों को मेरा ख्याल रखना चाहिए. Of course. So I guess. एक हाथी दूसरे हाथ को ढूंढता है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. I'll see you in the office. Yep, sure. Bye. Sir, paper आ गया सर. इसे गाड़ी में रखो, अभी ऑफिस जाना है. मैं आता हूँ. जाओ. जी सर. आईडी, कम इन टू माय कैबिन. या कम इन. डिड आई आस्क यू टू सिट? यू हैव सो डिसअपॉइंटेड मी आईडी, इट्स नॉट फनी. मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे बारे में मुझे कभी ऐसा सुनना पड़ेगा. और तुम्हें बता दूं ये कि आखिरी बार मैं सुन रहा हूं. कुछ समझा नहीं सर. तुम्हारे समझने के लिए कुछ बचा कहां है? तुम मुझे बता दो सच क्या है. सॉरी सर, मैं अभी भी कुछ समझा नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, इफ दैट्स द वे यू वांट टू प्ले. लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं सब जानता हूं. पहली बार जब तुमने गुल के डिजाइन उठा के फेंके थे, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा कोई ना कोई गेम प्लान चल रहा है. सर एक्चुअली तब ना, बार बार झूठ बोलने से झूठ झूठ ही रहने वाला है. प्लीज सर, आप जरा मेरी बात तो सुनिए. मुझे मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एक्सप्लॉइट करने वाले. एक्सप्लॉइट? डोंट वेस्ट माय टाइम एडी. तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों की मुझे कोई जरूरत नहीं है. यू कैन लीव, यू आर फायर्ड. ठीक है सर, आपको यह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि कौन खिलाड़ी है, और वो भी शतरंज का. गेट आउट ऑफ हियर. कहते हैं कि आदमी के पास बैंक बैलेंस ना हो तो चलेगा, मगर दिमाग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. गेट आउट आई सेड. आउट. गुड डे मिस्टर विवेक. गुल, अम्ब्रेला क्रिएशंस का अकाउंट आज से तुम हैंडल करोगे, ओके? यस सर, थैंक यू सर. यप. मुझे पैसों की सख्त जरूरत है कैरोल. वो पिया. हम्म. ये कैरोल के साथ कौन है? कौन ये? हम्म. ये उसका बॉयफ्रेंड है यार. ये कर क्या रहा है? ये इनका रोज का सीन है, पैसे दे रही है. कमाल है, लोग गर्लफ्रेंड्स पालते हैं और ये बॉयफ्रेंड पाल के बैठी है. छोड़ ना यार. थैंक यू बेबी, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ. बाय. कम ऑन यार. पिया ने मुझे बताया कि यू स्लेप्ट विद एडी सिर्फ नौकरी बचाने के लिए.
कैसी लड़की है यार, टैलेंटेड। किसी के साथ रात बिताना तुझे टैलेंट का काम लगता है? और क्या, पिया को देख ले कैरल, 5 साल से अकाउंट्स का जॉब कर रही है, जहाँ से शुरू किया था अभी भी वही है। मुझे देख, इतने शॉर्ट पीरियड में क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई हूँ। मगर इसके लिए कितना गिरना पड़ा तुझे? बड़े सपने नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। तेरी केमिस्ट्री मेरी समझ से बाहर है। आकाश की केमिस्ट्री तो तुझे समझ में आ जाती है। वो तेरा चहेता आकाश रॉब जमाता है, तेरे पैसे इटके जाता है, उसके बाप ने कमा के रखा है क्या? हाँ, सी दिस इज माई पर्सनल मैटर। तो मैंने कौन सा अपना पर्सनल मैटर नेट पे रखा है? दिस इज माई पर्सनल मैटर टू। बहुत ऊंची उड़ान भर रही है, बहुत जल्दी जमीन पर आएगी। अरे मैडम जी, कल की पिक्चर क्या कमाल थी, अपनी मॉडल थी। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ऑफिस? क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए काम पे। वेयर इज गोल? गोल को भेजिए। सर कॉफी लाऊं? ओह शट अप, गेट ऑन विद योर वर्क। Did you call me? Do you know what happened? I don't know. जो ऑर्डर्स हमारी कंपनी को मिलने वाले थे, वो आरबी को कैसे मिल गए? I don't know. Yeah, then who is supposed to know this? Who is supposed to know this? तुमने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया है, and I have no place for people like you in my office. You can leave. क्या मुंह क्या ताक रही हो मेरा? Get out. Get lost. Out. मिस्टर बजाज हैं जी, आइए। कुल, वेलकम। हाय। कुल, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आई जस्ट लव द नेम। आई मीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट लेने वाला अच्छा हो तो कॉम्प्लीमेंट अपने आप अच्छा लगता है। थैंक यू वंस अगेन। नो, थैंक्स टू यू। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तुमने कमाल कर दिया, वेल डन। थैंक यू मिस्टर बजाज। पर जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी की हमारी, आई मीन फ्लोरा एंटरप्राइजेस ने की थी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि जेवियर के पार्टी में आप पार्टी खत्म होने के बाद पहुंचे थे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की इतनी जरूरत होती तो आप वक्त पे आते। I'm proud of you. Brilliant. खुश हूं कि मैंने तुम्हें चुना अपनी कंपनी के लिए। थैंक यू। पर अब लगे हाथों आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जो चीज आपको पहले शुरू करनी चाहिए थी वो। That's a different story. उस दिन रात को विवेक ने मुझसे कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी की कंपनी को मिलेगा, याद है तुम्हें? Of course. मैं उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। I wanted to put that arrogant bastard in his place. इसलिए काम मैंने तुम्हें सौंपा था। Well, जो काम आपने मुझे सौंपा, मैंने बखूबी निभाया। अब आपकी बारी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं, मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा जरूर करता हूँ। So, here goes. ये आपकी गाड़ी की चाबी और ये आपके घर की चाबी। नहीं नहीं, मेरा मतलब आपके बंगले की चाबी। थैंक यू। यू वेलकम। और एक और सरप्राइज है आपके लिए। हाँ? ये एक और गाड़ी की चाबी। उस गाड़ी में तो आप ऑफिस जाएंगी, बाहर घूमने के लिए भी तो एक गाड़ी चाहिए ना। सो हियर गोज। Thank you, Mr. Bajaj. And welcome to the organization. See you. सुबह मिलते हैं. All right.
खुदा करे कि बहुत जल्द होश आए तुझे, तेरा गुरूर ना लेकर के डूब जाए तुझे। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना कैरोल, तुम्हारा स्पा बहुत रोमांटिक है, एक स्पार्क है इसमें, तो सोचा क्यों ना यही रोमांस किया जाए। क्या करे हो, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर चलते हैं कैरल। हाँ अभी काम का वक्त है, जाओ। काम तो तुम रोज ही करती हो कैरल, कभी मेरे लिए भी काम किया करो ना, मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भी पैसे की जरूरत है। मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, लीव। हेलो गर्ल, क्या कर रही हो तू? व्हाट आर यू डूइंग? स्टिल इन द ऑफिस यार, बहुत ज्यादा बिजी हूँ, काम का बहुत लोड है। ओके, आई गॉट सम ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। मैंने जेवियर के ऑर्डर के साथ रवि बजाज की कंपनी ज्वाइन कर ली है। कंग्रेट्स। या थैंक यू। और दूसरी खुशखबरी, मुझे कंपनी की तरफ से एक नया घर और एक नई गाड़ी भी मिली है। हाँ। यू कैरल एंड मी आर गोना गो आउट एंड पार्टी टुनाइट, ट्रीट्स ऑन मी। ओके, तू जल्दी घर आ जा। चल यू गाइस कैरी ऑन, आई विल सी इफ आई कैन कैच यू लेटर। या ओ आई मिस यू। ओके बाय। हे कैरल, वेयर आर यू? ऊपर अपने रूम में हूँ। मैं पूल में हूँ, तुझे एक गुड न्यूज देनी है, जल्दी से आ जा। ओके कमिंग, सी यू। हे, तू इतनी खुश क्यों है? और वो बाहर कार किसके है? वो गाड़ी मेरी है। This was the good news I wanted to give you. मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ। I told you ना, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूंगी। I'm so happy for you. लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? आकाश, my boyfriend, उसे हमेशा पैसा चाहिए मुझसे, और मैं थक चुकी हूँ उसे पैसे देते देते। Oh, don't worry. We are gonna go out tonight and we are gonna party and have fun. Yay!
ये झूठे भी होते हैं, मुर्दों की तरह सोते हैं, कभी ना पूरी बात ये सुनेंगे। मनमानी ये करते हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं, दुर्विचारे जैसा चेहरा बनाएंगे। बारिश के मौसम में, रोमांस के सीजन में, दो दिन से हो बेखबर, वाइनिंग हो डाइनिंग हो, जितनी भी स्माइलिंग हो, फिर भी है नजरें किधर। Boys, next. लड़के शैतान ये लड़के, नादान ये लड़के, इसे चाहिए। अपनी तो मस्ती की धुन है, ऐसे भी हम धुन है, और क्या चाहिए? लड़के शैतान ये लड़के, नादान ये लड़के, इसे चाहिए। अपनी तो मस्ती की धुन है, ऐसे भी हम धुन है, और क्या चाहिए? जब मैंने तेरे से पैसे मांगे तो तूने बोला नहीं है। और तू जो इधर पे पार्टी और ड्रामा कर रही है, वो सब क्या है? मैं चाहती हूँ तुम खुद कमाओ। देख, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे। आकाश, मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? तुमने मुझे मारा? हाँ, मारा। What the hell are you doing? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो, ये हमारा आपस का मामला है, आओ बेबी। Oh, just shut up and don't touch her. दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना, समझा? Get lost, bastard. चलो कैरल। कैरल। अब तुम सो जाओ कैरल, मुझे भी कल सुबह उठना है, शिफ्टिंग करनी है, पैकिंग करनी है। तुम सो जाओ गुल, मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे भी तुम्हें सुबह यहाँ से जाना है। मुझे कहाँ जाना है, सोना ही सोना है। कैरल, कैसी उलझी उलझी बातें कर रही हो कैरल? मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और किसी के पास सलूशन नहीं है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने जख्म उन्हें दिखाती हो जिनके पास मरहम नहीं है, और वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मेरी मॉम कहती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड घर का आईना होता है, जो तुम्हें रोता देख के हंसता नहीं है, तुम्हारे साथ साथ रोता है। मैं क्या करूं गुल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ क्या करो। सबसे पहले आकाश को अपनी लाइफ से हटाओ कैरल, वो तुम्हारे पैसों पे ऐश कर रहा है। कैन यू सी इट? वो तुम्हें टॉर्चर करता जा रहा है, और तुम उसका टॉर्चर सहती जा रही हो। लाइफ में एक बात याद रखना, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो किसी और की मदद क्या करेगा? हौसला रखो कैरल, हर रात के बाद सुबह होती है, तुम्हारी भी होगी। मैं जाती हूँ। ओके, स्लीप वेल, गुड नाइट। पिया, hey. चल मैं जा रही हूँ यार, कैरल कहाँ है? कैरल अभी नहाने गई है, पर तुझे घर बदलने की इतनी जल्दी क्या है? अरे सामान पहुंच गया है, गाड़ी वेट करिए, निकल चलती हूँ यार अभी। कम, चल मैं तुझे ड्रॉप करती हूँ। I'll call you in the evening. ओके। Hello, ji. Here we are. Your Sunday shopping is done. Hey, Gul's phone. One second. Hello, Gul. Hi, Mom. Hi, beta. Mom, मुझे एक नई job मिली है, और company ने मुझे एक नई गाड़ी और एक नया बंगला दिया है. And guess what? मेरा घर बिल्कुल race course के सामने है. Isn't that amazing? अच्छा, अब आप और पापा जल्दी से मेरे पास आ जाओ. लेकिन Gul बेटा, ये सब इतनी जल्दी कैसे? Mom, सब ठीक है यहाँ पे. Life is beautiful. आप आओ तो सही. I hope तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। Mom. Okay, fine. You take care of yourself. Okay, I'll see you. So? Gul का फोन था। She shifted her job, a new bungalow and a new car.
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट्स टू मच टू सून। मेरा पहला दिन इन माय ड्रीम होम इन मुंबई। कैरल, कैरल, कैरल। कैरल ने अपने हाथ की नस काट ली है। क्यों? तुझे तो पता है कि वो कितनी बड़ी इमोशनल फूल है। आकाश के प्यार में पागल है। कल रात उसका आकाश के साथ झगड़ा हुआ और आज उसने अपना ये हाल बना लिया। What? मुझे लगता है आज हमें उसके साथ रुकना पड़ेगा। सॉरी पिया, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये तो क्या कह रही है? मतलब कैरल के साथ तुझे कोई हमदर्दी नहीं है गुल? हमदर्दी के लायक उसने किया क्या है? उसने उसके पैसे छीने, उसको थप्पड़ मारा। मैं होती तो उस बास्टर्ड को इतने जूते मारती ना, वो कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखता। पर कैरल मैडम, क्या किया उसने? उसको मारने की जगह खुद मरने चली थी। पिया, मुझे कैरल के जैसे इमोशनल फूल के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे आज पता लगा कि तू कितनी बड़ी खुदगर्ज है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। तो तू शर्माती रह पिया। आई एम गोइंग। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आदित्य सिंह राजपूत। मुझे बजाज जी ने तुम अब मेरा मतलब है आप। कैसा लग रहा है मुझे यहाँ देख के आदि? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ओजोन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हो। पर सच्चाई तो यही है, तुम मुझे चलता करना चाहते थे ना। मैंने तुम्हें ही चलता कर दिया और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ आने की गलती कभी नहीं करता। तो अपनी गलती सुधारो एंड गेट लॉस्ट। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को हैंडीकैप समझता हूँ जो अपने खूबसूरत बदन को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी की ऊंचाई को छूना चाहती मगर एक दिन उस आसमान की बुलंदी से ऐसे गिरते हैं कि देखने वाले भी उससे सबक हासिल करते हैं। आप बड़ी तेजी से ऊपर जा रही हो और बहुत जल्दी जमीन पर गिरोगी एमडी साहिबा। तब तक के लिए अलविदा, चलता हूं। मजाज साहब का नया फॉर्मूला, जिसके आशिक हुए वो एमडी बन गई। बिजनेस का बिजनेस और आशिकी की आशिकी। और अपनी एमडी साहिबा का फॉर्मूला, हर फूल का रस चूस रही है वो, उसका नाम गुल नहीं बटरफ्लाई होना चाहिए। यार ये तो एक सोचे समझे सक्सेसफुल स्कीम है। इसका नाम गुल नहीं बटरफ्लाई होना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़कियों को
हैंडीकैप समझता हूँ, जो अपने खूबसूरत बदन को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी की ऊंचाई को छूना चाहता है। बटरफ्लाई होना चाहिए। अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है तो जिंदगी में एक बार उसे माफी जरूर मांगना। कभी समय से आगे दौड़ने की कोशिश मत करना। और हाँ, कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे रास्ते का इस्तेमाल मत करना। मुझे आज पता लगा कि तू कितनी बड़ी खुदगर्ज है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। जल्दी जमीन पर आएगी। मुझे लगता है मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं और कुछ रिश्ते बिगड़ गए। मैं अब सबसे पहले बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मॉम ने एक दिन कहा था, मिस्टेक इज अ सिंगल पेज इन अ पार्ट ऑफ लाइफ बट रिलेशन इज अ कंप्लीट बुक, सो डोंट लूज अ फुल बुक फॉर अ सिंगल पेज। ये लो, कितनी कमजोर लग रही हो तुम। लो खाओ ना, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। हाँ हाँ खाओ खाओ, खाओगी तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो मेहनत करोगी, मेहनत करोगी तो तुम पैसे कमाओगी और ये तुम्हारे पैसों पे ऐश करेगा। ए मैडम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं चाहे इसको खाऊं या इसके पैसे को, तेरे को क्या। ओ शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। आई कांट बिलीव इट कैरल, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोबारा इसकी मनुष्य शक्ल देखोगी। ए, मेरा दिमाग मत फैला वरना। दिस इज माय लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली तुम कौन होती हो? इसने तुम्हारे पैसे छीने, तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें मरने पर मजबूर किया और तुम कहते हो कि शट अप। आकाश इज माय लाइफ। ये मेरे पैसे खाए या मुझे तुम्हें क्या। ओ डार्लिंग आई लव यू। अब घर क्यों हो, गेट लॉस्ट। जा रही हूं, पर जाते जाते इतना जरूर कहूंगी कि इंसान को लाइफ में इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि पेंसिल से पहले रबर खत्म हो जाए। मैंने भी गलतियां की है, इसलिए माफी मांगना चाहती थी तुमसे। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट वर्थ इट। तुम पूछने वाली कौन होती हो? ये अब तुम्हारा घर नहीं है। ये मेरी फ्रेंड का घर है। कौन फ्रेंड? किसकी फ्रेंड? तूने फ्रेंड होने के सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं गुल। पिया, अगर मुझे ये रिश्ता तोड़ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। कभी नहीं आती ना गुल? मैंने तुझे जयपुर से यहाँ बुलाया, तुझे अपने साथ रखा, तेरा करियर एस्टेब्लिश करने में मैंने तेरी हेल्प की, और तूने क्या किया? इसने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया। जिसने इसको उड़ना सिखाया, इसने उसी के पर काट दिए। तुमने भी तो यही करने की कोशिश की थी, रिमेम्बर एडी? डोंट बी स्मार्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुझे लगता है आज के बाद मैं तेरी सूरत देखना चाहूंगी? तो अभी यहाँ क्या लेने आई है? एक्चुअली मंजिल तक पहुंचने का जुनून था मुझ में, और जिन लोगों की नजर मंजिल पर होती है वो रास्तों पर ध्यान नहीं देते। पर आज मैंने सोचा कि मैंने इन्हीं रास्तों पर बहुत लोगों का दिल दुखाया है,
माफी मांगना चाहती थी मैं तुमसे, पर अब एहसास हुआ तुम लोग तो इस लायक ही नहीं हो। हाय गुल। करण, क्या बात है गुल, इतने दिनों बाद कैसे फोन किए? करण, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए मुंबई आ सकते हो अभी? व्हाट हैपेंड? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है करण, मैं बहुत अकेली हूँ। आई रियली नीड यू विद मी। डोंट वरी गुल, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके मुंबई आता हूँ। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने आती हूँ। वाह वाह, बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। थैंक यू। अच्छा, व्हाई डोंट यू सिट, आई विल जस्ट चेंज इन कम। ओके, श्योर। डिनर पर चले? डोंट वरी, डिनर पे भी चलेंगे।
करण, 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 हाय सुराट, और मुंबई का मौसम कैसा है? मुंबई का? तुम कहाँ हो करण? और मेरा फोन क्यों काट रहे हो? ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हारा फोन काट दिया? और मेरी जान, जो आज तक तुमने मेरे 200 बार फोन कट किया उसका क्या? What? I thought you loved me. क्यों कर रहे हो ऐसा? लव, मेरी जान ये लव शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। चलो छोड़ो ये सब बातें, जयपुर आओ तो फोन जरूर करना। दिखा देना अपनी औकात तुमने, अब सुनाते रहना अपनी दोस्तों को मेरी कहानियां। बास्टर्ड।
की डायरी अब मुझे बेचैन करने लगी है। ये भरे हुए काले पन्ने मुझे काली अंधेरी रातों की तरह लगते हैं, और ये खाली सफेद पन्ने चमकते हुए उजाले की तरह महसूस होते हैं। मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं डायरी लिखूंगी ताकि यादों से जुड़ी रहूं, पर मुझे लगता है वादों में और यादों में सरा सा फर्क होता है। वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को ही तोड़ देती है। मुझे अपने आप को टूटने से बचाने के लिए ये डायरी लिखना अब बंद करना पड़ेगा। हाय मॉम। हाय बेटा, व्हाट अ सरप्राइज। आज कितने दिनों बाद तुमने अपने मम्मी को फोन किया, वरना मैं ही करती रहती हूँ। बाय द वे, क्या कर रही हो तुम? जरूर डायरी लिख रही होगी तुम, हम? नहीं मॉम, और मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं आज से और अभी से ये डायरी लिखना बंद कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ मॉम, मैं अब इस डायरी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मगर डायरी लिखना बंद करके तुम्हें क्या हासिल होगा? कुल लिख रही थी तब भी क्या हासिल हुआ मॉम? जिन डायरी के पन्नों पे मैं कभी खुशी के पल लिखा करती थी, अब वही पन्ने मुझे दुख देना चाहते हैं, आंसू देना चाहते हैं, और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो गुल, गम और खुशी तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। वक्त हमेशा अपने आप को दोहराता है, और जो पन्ने दुख दे रहे हैं वही कल तुम्हें खुशी भी देंगे बेटा। जो डायरी तुम लिख रही हो वो डायरी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का आईना है बेटा। एक बेजान डायरी आईना कैसे हो सकती है मॉम? आईना तो इंसान का दिल होता है। आप खुशी से लिखो अपनी डायरी, मैं नहीं लिखूंगी। गुल बेटा, तो वापस आ जा। मैं अभी वापस नहीं आ सकती मॉम, अभी तो मैंने आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना शुरू किया है, और जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ वो मंजिल पर जाके ही खत्म होगी। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है मॉम। मैं जब डायरी लिख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि रास्ते सिमट गए हैं और मैंने वक्त को कैद कर लिया है। अब मैं इस डायरी से छुटकारा पाकर वक्त को आज़ाद करना चाहती हूँ। Thank you.
गर्ल जापनीज डेलीगेट्स कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? यस दे आर। आई अप्रिशिएट अगर तुम ऑफिस को ऑफिस की तरह ट्रीट करो, किसी सैलून की तरह नहीं। वेल ऑफिस का मतलब होता है बिजनेस, एंड बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। एंड एज लॉन्ग एज आई गेट यू प्रॉफिट, आई थिंक यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड कि मैं नेल पेंट लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं या डांस करूं, राइट? राइट राइट। जुए में हमने दांव मारा, पलटे सारे पासे, बदले हर नजारा। थोड़ी सी हमारे इससे आई दुनिया, हम जब जब भी जीते हमसे हारी दुनिया। तुम करो तो कुछ नहीं, नशीली नशीली रातें संग लाए, महकती बहकती रंगत रंग लाए। इतने सारे चेहरे इनमें एक हमारा, चमके हम जरा तो जलता दिल तुम्हारा। अपना जिक्र भी तो होने दो जरा कुछ, मौसम ख्वाहिशों का होगा ना दोबारा। ऐश की है बारिशें भीगने लगे जो, तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा Meet our guest from Japan, Mr. Gumatsu. Pleased to meet you. Mr. Izumi. Hi. And this is Gul. In a conference room, leke jaiye. Please sure. Make yourself comfortable. Come on. I'll just join you in a while. Gentlemen. Have you ever been to Japan? Japan? Ab aap mil gaye to wo bhi jaldi dekh lenge.